के भाव की भी बात कर देता हूं, वो है मंतव्य स्थान, मंतव्य दिस इज माय ओपिनियन। नंबर एक गंतव्य स्थान, नंबर दो स्मर्तव्य स्थान, नंबर तीन कर्तव्य स्थान, नंबर चार धर्तव्य स्थान और नंबर पांच मंतव्य स्थान। दीक्षा ली उस दिन से अभी तक हमें कुछ भी राय देनी है, ओपिनियन देना है, मेरा ओपिनियन मैं दे नहीं सकता हूं, भगवान महावीर की जो बात थी वही मैं कह सकता हूं। इस जगह पे भगवान सुधर्मा स्वामी की इस पाठ पर बैठकर के मैं जो भी बोलता हूं, आपको लगता है मैं बोलता हूं, बोलने वाला मैं निश्चित हूं, मगर मेरा नहीं बोलता हूं, भगवान महावीर का ही बोलता हूं। और ये नहीं बोलना है तो उसको इस पाठ पर ही सुधर्मा स्वामी के स्थान पर बैठने की इजाजत भी नहीं है। स्वयं में अवसन तेनम भगवान अहु में कम हे जम्बू, भगवान महावीर के पास रहते रहते मैंने ये बात सुनी है, ये बात सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को कही, मेरा मंतव्य है नहीं, भगवान महावीर का मंतव्य वही मेरा मंतव्य, भगवान महावीर का जो ओपिनियन वही मेरा ओपिनियन। आज एजुकेशन ने ये सब व्यवस्था खत्म कर दी। आपको मैं ये कहना चाहूंगा, मंतव्य स्थान में आप कुछ भी करो, आपको नहीं लगे मत करो, मगर आपका कोई ओपिनियन देने के पहले हमारे लिए तो एक ही बात है, आपका मंतव्य स्थान कौन, गंतव्य स्थान प्रसन्नता, समर्तव्य स्थान उपकारी, कर्तव्य स्थान औचित्य का पालन, धर्तव्य स्थान है क्या बोला सद्गुण, और मंतव्य स्थान परमात्मा के वचन। 24 घंटे यही मेरा मंतव्य, दैट मीन्स मुझे कुछ भी बोलना है तो ये कहूंगा, भगवान महावीर ने श्रावकों के लिए ये कहा है, साधु के लिए ये कहा है, मार्गानुसारी गुण लेकर के बैठे उनके लिए ये कहा है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, यही तो सम्यक दर्शन है। तो ये आता है कैसे, समर्पण भाव से सद्गुण आता है और सद्भाव से मंतव्य स्थान मेरा तय हो जाता है।